तो आज मैं एक्टिवा चला रहा था और अंकिता पीछे बैठे अपने पोजेस दे रही थी और हम जाने निकले थे यहाँ के एक फेमस बिस्त्रो में जो कि काफी लोगों ने हमको सजेस्ट किया था। वहीं बार हमको सब्सक्राइबर्स मिल गए थे और हम पहुंच गए थे ब्लैकशिप बिस्त्रो। कैफे का एम्बियंस काफी कूल एंड काफी अमेजिंग है। ऑर्डर में जो भैया ने सजेस्ट किया वही मंगा लिया। खाने का वेट करते हुए कुछ टाइम पास, अंकिता ने कुछ ये हेल्दी ड्रिंक मंगाई थी और मैंने मंगाया था रेड बुल, जो कैन से निकलती दारू जैसी दिखती है। अंकिता का ड्रिंक ट्राई किया जो मेरे टेस्ट का बिल्कुल नहीं था। फाइनली हमारा खाना आ चुका था, अंकिता ने बर्गर ट्राई किया, फिर मैंने भी ट्राई किया और ट्रस्ट मी आज तक का सबसे बेस्ट बर्गर लगा मुझे। सेम योर राइस बॉल भी बहुत टेस्टी था। ये डेजर्ट कॉम्प्लीमेंट्री आया था जो अंकिता ने खाया और बहुत टेस्टी लगा उसको, और मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत ओवर ईटिंग कर लिया आज। मतलब ये हमारी सब्सक्राइबर जो बहुत क्यूट एंड गुजराती है। फाइनली हम कैफे से निकल गए, वहाँ पे रास्ते में एक फिश मार्केट था जहाँ पे डेड फिश की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी जो हमको बिल्कुल नहीं पसंद। सांस रोक के सनसेट देखते देखते आगे चले गए। आगे हमने देखा एक प्री वेडिंग शूट और वापस आ गए हम कैंडोलिम, जहाँ पे हमने एकदम फ्रेश ऑरेंज जूस पिया। और थोड़ी देर हील्स पहनने के बाद हर लड़की की यही हकीकत होती है, फिर सैंडल से तो फिर वो खुद उठाती है, तुमको उठा के घूमने पड़ते हैं। होटल के वॉशरूम में थोड़ा फ्रेश हो गए, कुछ स्वीट स्टाफ मेंबर्स को मिले, उसके बाद होटल से रवाना हो गए एयरपोर्ट की तरफ। पिन कमेंट को चेक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ।